नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अवैध संबंध के शक में मामा ने चाकू से गोदकर अपनी 22 वर्षीय भांजी की हत्या कर दी। आरोपी ने युवती की मां के सामने ही वारदात को अंजाम दिया, गले से लेकर पेट तक कई वार किए। मामला सेक्टर 41 स्थित एजी कॉलोनी का है। मां की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंचे, युवती को GMSH 16 पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका की पहचान झज्जर निवासी अंजलि मलिक के रूप में हुई है। आरोपी सतबीर गुड़िया भी झज्जर का ही रहने वाला है। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने पीड़ित मां की शिकायत पर हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। वारदात के बाद से सतबीर फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। युवती का शव GMSH 16 के शवगृह में रखवाया गया है। अंजलि परिवार समेत सेक्टर 41 स्थित एजी कॉलोनी के मकान नंबर 1230 में रहती थी और स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। सेक्टर 39 थाना प्रभारी इरम रिजवी ने बताया कि सतबीर अंजलि पर शक करता था और उसे लड़कों से मिलने और बात करने से रोकता था। इसी बात को लेकर मामा भांजी में झगड़ा हुआ। इस दौरान युवती की मां निर्मला सामने ही थी, तभी सतवीर ने चाकू उठाया और अंजलि पर ताबड़तोड़ कई बार किए। युवती की मां जब तक कुछ समझ पाती आरोपी भाग निकला। इसके बाद निर्मला ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची PCR टीम अंजलि को लेकर GMSH 16 पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मां निर्मला की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। आरोपी सतवीर पर पहले भी एक आपराधिक केस दर्ज है। वर्ष 2008 में उसने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई है। वर्ष 2014 में वो पैरोल पर जेल से बाहर आया था और फरार हो गया था। बाद में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। थाना प्रभारी इरम रिजवी ने बताया कि सतवीर ने पत्नी की हत्या भी अवैध संबंधों के शक में की थी। सतवीर 2 दिन पहले चंडीगढ़ आया था और बहन के घर पर रुका था। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे कोई इस तरह का इंसिडेंट है, तो अभी हम लोग बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं। लड़की की जो ब्रॉडेड इन्फॉर्मेशन आई थी, अभी तो पोस्टमार्टम पे काम किया जा रहा है। बिल्कुल मैम, इन्फॉर्मेशन क्या पहुंची थी थोड़े तक? कि कोई स्टैब्ड 22 साल की लड़की स्टैब्ड एंड ब्रॉड डेड 16 सेक्टर में पहुंची है। बिल्कुल मैम, ये भी किया जा रहा है कि उसने मामे दे बोलो कोई कत्ल किया गया, कुछ इस तरह का सामने आया? इस तरह का सामने आया, पर ऑल मैटर इज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, बहुत सारे ये भी किया जा रहा है कि आखिरकार भी इस मामले के किसी गिरफ्तारी भी की गई है? कुछ नहीं, अभी तो इस तरह की गिरफ्तारी नहीं है, पर प्रयास जारी। मैडम, पर पड़ोसियों की बात कर लो तो पड़ोसी कह रहे हैं कि स्कूटी भी खींचने की उन्होंने कोशिश करी है, सवेरे स्कूटी गिर जाती है। सब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जैसा होगा फिर आपको बताएंगे। ब्लड भी घर के बाहर पड़ा है, उसका पता लगेगा लड़की का ही ब्लड है, अभी देखते हैं जी, फिर बताएंगे। बिल्कुल, लड़की की लाश में पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। हाँ जी, थैंक यू जी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।